हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक अलग ही स्टडी शेयर करेंगे और ये स्टडी समझने वाली बात है और जानने वाली बात है कि हम मार्केट में जो एनालिसिस करते हैं, टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती है, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, उसी संदर्भ में एनालिसिस है। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा, यूनिक वीडियो है। इस सब्जेक्ट पे किसी ने कवर नहीं किया है, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा कवर करने की, प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। इसलिए इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिए। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंट सवाल होंगे तो जरूर उसको शामिल किया जाएगा जवाब देने के लिए, उस पर वीडियो लाने के लिए। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट एनालिसिस हम कर रहे हैं। बहुत सारे एनालिस्ट निफ्टी पे लगे हुए हैं। एक समय था निफ्टी से पहले सेंसेक्स का। सेंसेक्स इंडिकेटर होता था, इकोनॉमिकल साइकिल को इंडिकेट करता था। इकोनॉमिकल साइकिल किधर ड्राइव हो रहा है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री का कैसा है, वो सेंसेक्स एक इंडिकेटर हुआ करता था 2000 दशक के पहले या 2004 के पहले। अभी वो समझ लीजिए सेंसेक्स ही मापदंड था। हम भी जब मार्केट में नए नए आए थे तो उस समय सुनते थे कि सेंसेक्स 12000 चला गया, 8000 चला गया। इस तरीके से सुन सुन करके हमने मार्केट में पार्टिसिपेट किया था। 2006 पांच का बात थी, उस समय सेंसेक्स नया हाई बना रहे थे। लेकिन जब से हमने स्टार्ट किया तब से निफ्टी 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 होने लगा। तो निफ्टी का फंडा पता नहीं था, लेकिन निफ्टी का फंडा इसलिए गीत गाने लगे कि ये भी इकोनॉमिकल कंडीशन के इंडिकेटर को बताता है। ये भी हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन कंट्री का कैसा चल रहा है ये भी इंडिकेट करता है, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 कंपनियां इन्वॉल्व हैं। सेंसेक्स में ओनली टॉप 30 कंपनियां इन्वॉल्व थी, लेकिन निफ्टी 50 में 50 कंपनियां, मीन्स कि 50 कंपनियों का दिशा जिस डायरेक्शन में चलेगा उधर ही हमारा कंट्री का डायरेक्शन या कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशन उसी डायरेक्शन में दिखेगा। तो इसलिए निफ्टी 50 पे लोगों ने एनालिसिस करना शुरू किया। और निफ्टी 50 का एनालिसिस जिस तरीके से 2004 5 के पहले सेंसेक्स पे लोगों की एनालिसिस होती थी, वो इंडिकेट करता था, उसकी चार्ट स्टडी, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, उसके कंपनियों का एनालिसिस हम जैसे निफ्टी 50 के करते थे, सेंसेक्स से करते थे, चेंज होकर के हम निफ्टी 50 पे आगे शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी 2014 से मार्केट ने जो रंग दिखाया है और आप निफ्टी को एक ही लेवल पे देख रहे हैं, लेकिन निफ्टी हायर लेवल पे है, 10% भी नहीं गिरा है। लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन देश का, मार्केट का, मार्केट पार्टिसिपेट का बुरी तरीके से चरमरा गया है। आखिर कुछ ना कुछ जो इंडिकेटर को फॉलो हम कर रहे हैं, और निफ्टी 50 इंडिकेटर को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हमारी गलतियां, और हम इसमें डाउनफॉल में होने के बाद भी अप ट्रेंड दिख रहा होता है और फिर हम जस्टिफाई नहीं करते हैं। लेकिन लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब हर जगह से एनालिसिस होने लगेगा दूसरे इंडिकेटर का, दूसरे इंडेक्स का, तब जाकर के लोगों को समझ में आएगा। फिर हमारे जैसे जो आम आदमी एनालिस्ट हैं, ट्रेडर हैं, वो भी फिर उसी को फॉलो करने लगेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम भी एक नए इंडिकेटर की खोज करें। ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना है कि लोग, बड़े लोग आकर के, बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म पे आकर के उस चीज को इंडिकेट करेंगे तो ही हम फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर आप मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो मार्केट जो दिखाना चाह रहा है, जो दिखा रहा है, उसको इग्नोर नहीं करना है। मीन्स कि अगर इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है और निफ्टी 50 इंडेक्स और इसके सारी कंपनियां लगभग ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रही हैं, फिर भी इकोनॉमिकल कंडीशन, जो कंडीशन 8000 पे नहीं था, 6000 पे नहीं था, वो
उससे भी बदतर स्थिति इकोनॉमिकल कंडीशन हो चुका है। आप जिस सेक्टर को देखें, जिस बैंक को देखें, जिस सेक्टर, किसी भी सेक्टर के किसी भी स्टॉक का हालत देख रहे हैं तो हालत बुरा है। आखिर क्या रीजन है? निफ्टी 50 के एनालिसिस से तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है। तो ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो जस्टिफाई कर सकता है? अगर वो जस्टिफाई कर रहा है तो हमें 100% उसको ही फॉलो करना चाहिए, ना कि हम सेंसेक्स की बातें नहीं करते हैं आज की डेट में। तो निफ्टी 50 भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो निफ्टी 50 की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गधों के भीड़ में जब भीड़ चल रहा होता है तो सारे उसके पीछे भाग रहे होते। क्यों भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं नहीं पता, बस वो भाग रहा है तो हम भी भागे जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और मेरा इसी पे अलग स्टडी है, और मैं आप लोगों के साथ एक नए इंडेक्स की एनालिसिस करूंगा। नया इंडेक्स मींस नए, हमारे लिए एनालिसिस के लिए नया है, बाकी वो इंडेक्स पुराना ही है। और वो इंडेक्स है निफ्टी 100 मिड कैप। ये निफ्टी मिड कैप 150 मिड कैप ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, इससे अच्छा इंडिकेटर हो नहीं सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और इसी ट्रेंड पे बाजार चल रहा है। अगर हम मंथली चार्ट पे एनालिसिस करें, अगर मंथली चार्ट पे एनालिसिस करें तो बिल्कुल कोई भी वेव थ्योरी लगाइए, कोई भी डाउ थ्योरी लगाइए, उसको रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। और ये अपने हाई से 21,800 के लेवल से लगभग 35% डाउन है। मीन्स कि इसका जो लो बना था, लगभग 15,000 के आसपास का लो बना था, और वेव थ्योरी को भी सबसे अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है ये। आप देखेंगे सारे 2014 से, इसने 2014 से जो रैली स्टार्ट किया 7-8,000 के लेवल से, ये लगातार कंटिन्यू अप जाकर के इसने टॉप बनाया। जनवरी 2018 में, जो हम जनवरी जुलाई सॉरी अक्टूबर 2017 से लेकर के जनवरी 2018 तक चिल्लाते हुए आ रहे थे कि टॉप बन गया है, टॉप बन जाएगा जनवरी में, बाजार गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और उसी को ये फॉलो कर रहा है। इस हाई को इसने कभी भी नहीं काटा। जनवरी का हाई 21,840 का हाई इसने अभी तक नहीं काटा, तो ये दिखाता है, जबकि निफ्टी ने बार बार काटा और इसने नहीं काटा। तो आप दिन प्रतिदिन मार्केट में लोअर लेवल देखे जा रहे हैं, और आप इसका एबीसी पैटर्न बनाएंगे तो कंप्लीट ए बी और सी पैटर्न बन चुका है, लेकिन यहां से जो बुल रन स्टार्ट होगा उसमें भी टाइम लग सकता है। अभी तो बुल रन के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली टाइम बाकी है, और हम उसकी भी एनालिसिस करेंगे। और ये इंडेक्स कंप्लीट शो कर रहा है कि मार्केट किस दिशा में है। तो इसलिए ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ये पहला वीडियो होगा पूरे यूट्यूब में कि मिड कैप पे एनालिसिस ही सही है, निफ्टी 500 के मिड कैप पे ही एनालिसिस करना चाहिए। और इसने, अगर आप देखें मंथली चार्ट पे, इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक करके रखा है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम इसमें तेजी नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं ये मूविंग एवरेज नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा तो ही तेजी होगा। अब इसमें क्या होगा कैसे होगा उसकी एनालिसिस हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं ये अभी यहाँ पे यही इतना ही डिस्कशन करके स्टॉप करूंगा। आने वाले YouTube वीडियो में अगर आप लोग इस वीडियो पे 100+ लाइक करेंगे तो मैं और भी इसमें डीप स्टडी करूंगा, किसका बॉटम जो टॉप बना है किस रूल के अकॉर्डिंग बना है, बॉटम जो बना है ये क्या फाइनल बॉटम बन गया है, प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन बाकी है तो कितना करेक्शन बाकी है, इसकी कंप्लीट वीडियो लेकर के आने वाले टाइम में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, वायरल करें इस वीडियो को, कि लोगों को आंखें खुले कि निफ्टी मिड कैप की एनालिसिस ही अब
समय चेंज हो गया है, हर 10-20 साल पे चीजें बदलती है। अब समय आ चुका है कि निफ्टी मिड कैप 100 की एनालिसिस किया जाए, ना कि निफ्टी की एनालिसिस किया जाए। तो ये रहा एनालिसिस, और यहीं पे मैं वीडियो को एंड अप करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो के